हाय, वेलकम टू माय चैनल। ईद हो गया ख़त्म, तो अब हम भी चलते हैं अपने काम पे। तो आज हम हैं गुजरात फोर्ट में। आज हम विज़िट करेंगे गुजरात फोर्ट। और गुजरात का किला बहुत बड़ा किला था। इसके चार दरवाज़े थे, वो दरवाज़े अभी भी उसके रिमेन्स मौजूद हैं। उसके अलावा उनके नाम भी अभी उसी तरह मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस किले की हिफाजत नहीं की गई और ये बिल्कुल डिस्ट्रॉयड। इवन इसके बहुत कम रिमेन्स कहीं कहीं बिल्डिंग्स में रह गए हैं क्योंकि न्यू कंस्ट्रक्शंस हो चुकी हैं। ये जी, इसे ढक्की किला भी कहते थे। ये ढक्की गेट है। और उसके अलावा गुजरात का मशहूर दूध यहाँ से मिलता है, ढक्की से। अच्छा जी, इस फोर्ट को गुजरात फोर्ट नहीं बल्कि ढक्की फोर्ट कहा जाता था मुगलिया दौरे हुकूमत में। इसमें भी कंट्रोवर्सी है कि ये किसने तामीर करवाया। ये शाहजहाँ के बारे में भी कहा जाता है और जहांगीर के बारे में भी। तो जी, हम इसके रिमेन्स ढूंढते ढूंढते जो थोड़े बहुत हमें नज़र आ रहे हैं वो आप देख सकते हैं। एक गेट, शादोला गेट मौजूद है। उसके अलावा ढक्की गेट भी अभी आपने देखा। इस तरह गेट्स के रिमेन्स हैं कुछ, और फैसल गेट था उसके रिमेन्स अभी नहीं हैं। नवाबजादा चौक के पास एक गेट था। और अभी जो हमें इसके रिमेन्स मिले वो हम आपको दिखाते हैं। एक तहखाना और कुछ वो जो होते थे झरोके वो हैं, वो अभी अहले मोहल्ला के पास हैं। और वो इसको जो डिपार्टमेंट है हमारा आर्कियोलॉजी का, उनको बिल्कुल भी छेड़ने नहीं देते। इवन कोई टीम भी आती है तो उसको बिल्कुल भी विज़िट नहीं करवाते। ये हम लोग बारिश वाले फलांग के और इनकी परमिशन लेके यहाँ तक पहुँचे। ये जनाब, अकॉर्डिंग टू द फैमिली मेंबर्स जो वहाँ पे थे, उन्होंने बताया जी यहाँ पे ये बादशाह बैठा करता था। ये न्यू कंस्ट्रक्शंस आपको नज़र आ रही होंगी, पास सारे नए घर बन गए हैं, नई चीज़ें आ गई हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं वो मौजूद हैं। आपको पूरा मिक्सचर नज़र आएगा, मूलिया ईंटों का, मूलिया आर्किटेक्चर का, उसके अंदर जो लगाए गए पीसीज हैं हमारी नई ईंटों के और लोगों के वो वाले। और यहाँ से आपको गुजरात का एक एरियल व्यू भी नज़र आएगा। ये बहुत ऊंचाई पे बनाया गया था। किले मोस्टली ऊंची जगह पे बनाए जाते थे और वो मरकज़ हुआ करते थे वहाँ का। अगर कोई दूसरा बादशाह या दूसरा जो हुक्मरान है वो आके किले पे कब्ज़ा कर लेता था तो ऑटोमेटिकली जो रियासत है उस पर कब्ज़ा हो जाता था। गुजरात में गुजर और जाट फैमिली ज़्यादा थी और इसी हवाले से इसका नाम इस तरह रखा गया, गुजरात के नाम से था। गुजर और जाट फैमिलीज दोनों के कॉम्बिनेशन से ये मिलाया गया था। अभी हमें जो इसके बेसिक रिमेन्स किले के हवाले से मिले थे वो ये सामने झरोका है जो आपको नज़र आ रहा होगा। इस झरोके के पास खड़े होंगे तो गुजरात का जो एक व्यू है जिस पर सारे नए मकानात हैं आज के दौर के, और उसके अलावा कंपनीज़ हैं जो मोबाइल कंपनीज हैं उनके टावर्स नज़र आ रहे होंगे। और इसकी पैंडेमिक की वजह से, वायरस की वजह से हर तरफ खामोशी है, रश भी इतना नहीं है। ये अंदर की तरफ तहखाना है जहाँ उन्होंने कहा था कि ज़्यादा नीचे नहीं जाना, यह है बहुत गहरा। लेकिन चूँकि किसी ने हिम्मत करके कहा कि चलिए मैं आपको फ़ोटोज़ खींच के ला देता हूँ, तो वो नीचे जैसे ही जाते हैं तो ये जैसे ही दो तीन मंजिल नीचे जाना शुरू हो तो अंधेरा आगे आना शुरू हो जाता है और वाकई आपको लगता है कि देयर समथिंग स्कैरी। और ये काफ़ी गहरा है लेकिन दरवाजे बंद कर दिए हुए हैं और ज़्यादा नीचे जाने भी नहीं देते ये, तो ये दो तीन मंजिल तक हम नीचे जा सके। उसकी फ़ोटोज़ ये सामने आए। उसके अलावा नीचे अंधेरा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, इवन वी कैन यूज़ द टार्च, लेकिन फैमिली अलाउ नहीं करती। तो दैट्स इट, नेक्स्ट हम चलेंगे मुल्तान औलिया के शहर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।